भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता की बात काम कर रहे हैं, नहीं नहीं चुनाव नहीं कराना है हमको, लिखिए ना भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता है। देखिए जिस तरह से पुलिस प्रशासन की रवैया है, इसमें निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। को काम नहीं करना चाहिए, और कल अगर नामांकन होगा 5,000 गए तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, देख लीजिए अगर 5,000 गए कल वो डिप्टी सीएम आएंगे, मंत्री आएंगे ना, तो पार्टी ढीली हो जाएगी। उतने ही लोग नहीं जिंदाबाद 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 मुस्तफा सिद्दीकी जिंदाबाद। सामने देखिए मैम भाई, सामने सामने का देखिए। आपने अपना नामांकन किया, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में क्या कहना चाहेंगे आज आपने अपना यहाँ पर जो नामांकन किया उसको लेके? मैं सारे साथियों का, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का और पूरी जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इतना स्नेह इतना प्यार हमको देने का काम किया आज। और सबसे पहले तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमें इसका भी समझ कर और यहाँ चुनाव लड़ने का फैसला किया। इंडिया गठबंधन से कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा करने की बात यहाँ पर आज हो रही थी, किस तरीके से आप उसको मानते हैं इंडिया गठबंधन? ये भाजपा की और हमारे जो खिलाफ है उनकी साजिश है, इसलिए कि अभी रात में 12 बजे रात फोन आया था, आज सुबह भी 8 बजे फोन आया था उनका, शेखर बौने जी का और उनके तिवारी जी का, दुबे जी का, सभी का फोन आया था कि विधायक जी आपने हमसे बताया नहीं, नहीं तो हम आप लोगों के उसमें रहते। गठबंधन में उनके सारे बड़े नेता कहना है कि नहीं आप ही लड़ेंगे, आप ही का हक बनता है और ये जो प्रचार हो रहा है सब फर्जी। कांग्रेस को कितनी सीट देने जा रहे हैं? कांग्रेस को कितनी सीट? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला, हम कैसे बताएंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर अभी हमसे कह दें नहीं लड़ा नहीं लड़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसला करेंगे उसको हम मानेंगे। हम क्या जाने जनता से क्या अपील है? जनता से अपील क्या है? जनता से अपील ये है कि पहली बार 70 साल में कोई फूलपुर ब्लॉक का वहाँ का कोई जो है रहने वाला आदमी चुनाव लड़ रहा है, इसलिए फूलपुर की जनता इससे बहुत खुश है कि कम से कम एक बार हम लोग अपने आदमी को जिता के भेजें, इसलिए जनता बहुत खुश है और जनता पूरी तौर से लगी हुई है। क्या मुद्दे हैं आप लोग? मुद्दे तो गिनाने लगेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। मुद्दा है आप भी जानते हैं, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो अभी संविधान बचाने का काम किया उसका मुद्दा है, जो आरक्षण समाप्त करते हैं उसको बचाने का काम किया उसका मुद्दा है, मुद्दे बहुत हैं। कितना मुद्दे गिनाए आपका? सर सत्ता परिवर्तन के चुनाव नहीं है, सत्ता परिवर्तन चुनाव नहीं है, इसलिए महंगाई ये सत्ता परिवर्तन चुनाव यही चुनाव 2027 में हमारी सरकार बनाएगी और उसके मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। परिचय दे दीजिए। हाँ, परिचय।